नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब हम बात करते हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले की। बहुत ही बेहद शर्मनाक ये मामला था और बहुत ही घातक ये हमला था। दो बातें समझिए, बहुत शर्मनाक ये मामला था, बहुत घातक ये हमला था। और घातक करने वाला जो विभव कुमार था, जो अरविंद केजरीवाल का खासम खास बनकर अरविंद केजरीवाल के लिए गुंडे की भूमिका निभा रहा था, उस गुंडे की अब हवा निकल गई है। हवा ऐसी निकली है कि ना तो अब विभव, जो आरोपी विभव कुमार है, ना तो अब उसे पार्टी पूछ रही है, ना पार्टी का कोई नेता पूछ रहा है। अरविंद केजरीवाल खुद तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं, उनका तो कोई मतलब ही नहीं होता है। और जो सुनीता केजरीवाल थी, उन्होंने उससे बात तो छोड़िए, मिलने की भी जरूरत नहीं समझी। यानी कि जो कर्म विभव कुमार ने किसी के भड़काने पर या किसी के कहने पर आकर किया था, उस कर्म के अंदर आज जो विभव कुमार है वो अकेला उसको भुगत रहा है अपनी करतूत। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तिहाड़ जेल के अंदर उसकी शायद गर्मी अब निकलेगी। गर्मी निकलने से मतलब हमारा है कि शायद पूरी गर्मियां तिहाड़ जेल के अंदर ही कटेंगी, क्योंकि ये जो आरोपी विभव कुमार हैं, जो कभी पीए पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के, और शीश महल के अंदर अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल के परिवार के बाद सबसे बड़ी हस्ती थी विभव कुमार। इसके अलावा दिल्ली के सचिवालय में भी सबसे बड़ी हस्ती थी, बड़े बड़े नेता, आम आदमी पार्टी के हो चाहे कोई भी हो, विभव कुमार जब तक उसको स्कैन नहीं करेगा तब तक वो अरविंद केजरीवाल तक नहीं पहुंच सकता। वो विभव कुमार अब बुरी तरीके से पस्त हो चुका है, अकेला पड़ चुका है, और पूरा जो विभव कुमार की जो फैमिली है वही बेचारे उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अब हम इसके आगे की बताते हैं। विभव कुमार जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां से अपनी जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद अब उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया है। विभव कुमार ने हाई कोर्ट के अंदर अपनी जमानत की याचिका फाइल की है, लगाई है, लेकिन इस पर जो हाई कोर्ट है उसने दिल्ली पुलिस से एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है पूरी अब तक की, लेकिन इस मामले को अगले महीने तक टाल दिया है। यानी कि अब ये मामले की सुनवाई अगले महीने होगी, यानी कि सारी गर्मी जो जून है वो पूरा, जून मई और जून पूरा गर्मी तिहाड़ जेल के अंदर निकलेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले से संबंधित मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति अमित शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया है। पीठ ने दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। वर्तमान में न्यायिक हिरासत में बंद विभव कुमार ने 13 मई को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर मालीवाल पर कथित तौर पर हमला किया था। उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था और 30,000 कोर्ट की अदालत में 7 जून को आरोपी विभव कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया। आरोपों पर गंभीर व संगीन आरोप है आरोपी पर, ऐसी आशंका है कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। विभव कुमार की पहली जमानत याचिका 27 मई को एक अन्य सत्र अदालत ने खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि मालीवाल ने प्राथमिकी दर्ज कराने में कोई देरी नहीं दी है, देरी नहीं की है, मालीवाल के आरोपों को खारिज नहीं किया जा सकता है। कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई थी। FIR में महिला को आपराधिक धमकी, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास शामिल है। इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के पहले सप्ताह में होगी, यानी कि जून भी गया। हाई कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में विभव कुमार ने कहा कि निचली अदालत इस तथ्य पर विचार करने में विफल रही है कि उनकी
आगे की हिरासत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जांच अधिकारी द्वारा सभी सबूत एकत्र किए जा चुके हैं और गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। जमानत याचिका में कहा गया है, जमानत नहीं देने का आदेश पारित करते समय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहे कि उपरोक्त FIR के संबंध में सभी सबूत जांच अधिकारी द्वारा एकत्रित किए जा चुके हैं और गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं, इसलिए याचिकाकर्ता को हिरासत में रखने की कोई औचित्य नहीं है। याचिकाकर्ता को न्यायिक हिरासत में रखने की कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होता है। विभव कुमार पहली जमानत याचिका को एक अन्य सत्र 27 मई को खारिज कर दिया था सत्र अदालत ने। विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। विभव कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न प्रावधानों के तहत एक FIR दर्ज की गई थी, जिसमें आपराधिक धमकी, महिला को निर्वस्त करने के इरादे से हमला करना या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना और गैर इरादतन हत्या शामिल है। तो जो विभव कुमार हैं, जो अरविंद केजरीवाल का एक सरकारी तौर पर पर्सनल गुंडा था, उसकी अब हवा निकल गई है भाई साहब। सर के बाल मुंडवा लिए बंदे ने और ये साहब तिहाड़ जेल के अंदर रह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के और उनके परिवार के अलावा इन्हें भी बड़ा आलीशान तरीके से रहने की आदत थी, सरकार का माल काट रहे थे। सबसे पहला झटका इन्हें LGBK सक्सेना ने दिया था, जो नौकरी से बाहर निकाल के फेंक दिया था। अचानक ये बड़ा तगड़ा झटका लगा था। इसके बाद भी केजरीवाल से सेटिंग करके ये अपने उसी ऑफिस में वहीं पर बैठ के काम कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान ये स्वाति मालीवाल कांड हो जाता है। और स्वाति मालीवाल पर जब हमला ये विभव कुमार करता है तो स्वाति मालीवाल ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। और ये मुकदमा अब बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि स्वाति मालीवाल राज्यसभा की सांसद हैं और उन्होंने इसकी कंप्लेंट उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी की है। जगदीप धनखड़ अगर इस पर एक्शन लेंगे तो और मुश्किल पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह समझिए कि स्वाति मालीवाल एक ऐसी महिला है जो बहुत मजबूत हैं और अपने केस को मजबूती से लड़ने की वो पहले ही ऐलान कर चुकी हैं। आर पार की लड़ाई है और इस आर पार की लड़ाई में विभव कुमार कहीं भी नहीं ठहरे। सबसे बड़ी बात यह है कि आलीशान जिंदगी जीने वाला विभव कुमार अब पूरी गर्मियां तिहाड़ जेल में बिताएगा। आगे देखते हैं होता है क्या, क्योंकि केजरीवाल ने अब विभव कुमार का साथ छोड़ दिया है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपको हमारी खबरें कैसी लगती है, हमारा चैनल कैसा लगता है, हम आपको कितना बता पाते हैं, अगर आपकी इस पर कोई राय है तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर 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 लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को हम आपके नाम के साथ अपनी खबरों में शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।